सौलत पब्लिक लाइब्रेरी चुनाव में गड़बड़ी की आशंका, प्रेक्षक नियुक्त कराने की अपील। लाइब्रेरी की करोड़ों रुपए की मिल्कियत की भी चर्चा। रामपुर जिले में पिछले कई महीनों से सौलत पब्लिक लाइब्रेरी का चुनाव चर्चा का विषय बना हुआ है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष का 17 दिन में हुआ देहांत। यहां बीती 24 अक्टूबर को हुए चुनाव में कई लोगों ने अपने हाथ आजमाए, लेकिन अध्यक्ष पद पर काबिज हुए अधिवक्ता शौकत अली खान इस चुनाव में अध्यक्ष पद पर काबिज हुए। लेकिन इस वर्चस्व की लड़ाई में अध्यक्ष पद की कुर्सी पर काबिज हुए शौकत अली खान एडवोकेट का देहांत 17 दिन बाद हो गया। 19 दिसंबर को होना है चुनाव, अब 19 दिसंबर 2021 को होना तय है। पिछले चुनाव के लिए उम्मीदवारों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था। ये सौलत पब्लिक लाइब्रेरी का चुनाव 19 दिसंबर 2021 को होने वाला है। इसके सिलसिले में मैं वहां अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूं, और पिछला जो चुनाव हुआ था अभी 1.5 महीना पहले, चूंकि अध्यक्ष पद पे जो निर्वाचित हुए थे उनका देहांत हो गया है और उसी जगह ये चुनाव हो रहा है। पिछले चुनाव में जो गड़बड़ी हुई थी, जो अव्यवस्था थी, उसका हमें बहुत तल्ख तजर्बा हुआ। इसलिए हमने पहले से नगर मजिस्ट्रेट को एक दरख्वास्त की शक्ल में ये दिया है कि वहां पर पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था भी की जाए और प्रशासन की तरफ से एक प्रेक्षक के तौर पे किसी अधिकारी की नियुक्ति की जाए, ताकि उसकी निगरानी में चुनाव निष्पक्ष हो, मुनसिफाना हो और गैर जानबदाराना हो, सही रिजल्ट आए। चूंकि ये इल्म अदब की एक संस्था है सौलत पब्लिक लाइब्रेरी, यहाँ किसी प्रकार सियासी एतबार से जो चुनावों में आमतौर से लोग प्रयास करते हैं, इत्तेफाक ये है कि यहाँ भी प्रयासरत हैं। हम उन लोगों को उन तत्वों को इलेक्शन की प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न करने देना नहीं चाहते, जैसा कि पिछली बार हुआ था। इस सिलसिले में हम सब लोग यहाँ जो सदस्यगण हैं, लाइब्रेरी के लाइफ इमरान हैं, मैं प्रत्याशी के तौर पर मैंने उनको बताया है कि साहब ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि बिल्कुल निष्पक्ष के तौर पर या प्रशासन के तौर से जो संभावना हो सकती है या जो प्रबंध किए जा सकते हैं वो किए जाएंगे।